स्टूडेंट्स, आज हम यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम के डेट के लिए, क्या एग्ज़ाम कैंसिल होगा, क्या एग्ज़ाम स्थगित ही रहेगा भी, या जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड न्यूज है उसको हम इस वीडियो में दिखाएंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाएगी और आपके डाउट्स क्लियर कर देंगे कि अब एग्ज़ाम क्यों होना है कि नहीं होना। तो ये न्यूज है, आपको सामने दिखाई दे रही होगी कि स्थगित हो चुकी है परीक्षाएँ, 3 बार परीक्षा स्थगित हो चुकी है, जिसके चलते छात्र में असमंजस पड़ गए हैं और परीक्षाएँ लगातार कई बार स्थगित हो चुकी है। अड़चने बहुत आ रही हैं यूपी बोर्ड में। क्या अड़चने आ रही हैं कि आपकी यूपी बोर्ड की परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र जो बनाए गए थे, परीक्षा केंद्रों में परीक्षा केंद्र भी कम पा रहे हैं, क्योंकि देखिए दिसंबर के महीने तक फॉर्म भरे गए थे, 3 बार परीक्षा स्थगित हो चुकी है और अभी कोई नहीं जानता बोर्ड परीक्षा कब और कैसे होगी। हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाओं के राह में कदम पर बाधाएं रही, इस वजह से पैदा हुए असमंजस का रिव्यू के लिए करीब 56 लाख छात्र परेशान हैं, 56 लाख छात्र परेशान हैं और छात्र में जब असमंजस में होने कर परीक्षा 3 बार स्थगित हो चुकी है। इससे फरवरी में आयोजित किया गया था, लेकिन 24 अप्रैल, उसके बाद आपका पंचायत चुनाव आया तो 8 मई हुई और ये कई बार 8 मई कराने का फैसला लिया गया, लेकिन कोरोना संक्रमण के बढ़ते बाधा से इसे 20 मई तक टालना पड़ा, 20 मई तक टाला गया है। तो अब क्या होगा कि 20 मई के बाद आपका क्या दिक्कत आ रही है, तो इसमें कम पढ़ सकते हैं परीक्षा केंद्र कम पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें पहले आपका 25 वर्ग फीट निर्धारित किया गया था छात्रों को दूरी बनाने की, सोशल डिस्टेंसिंग की, क्योंकि कोरोना में परीक्षा कराने के लिए। और अगर अब कोरोना बढ़ रहा है तो 36 वर्ग फीट का था, तो इसीलिए अब कैसे परीक्षा केंद्र को इतनी दूरी दूरी बैठाएंगे बच्चों को, तो कितने कमरे लगेंगे, कितने सेंटर्स बनाए जाएंगे, इसके लिए करीब 8,497 सेंटर फाइनल किए गए हैं। तो इस तरह व्यवस्था गड़बड़ा रही है, भी कोरोना भी चल रहा है। तो अब इसका हम निष्कर्ष पर इस आते हैं, ये निष्कर्ष ये है कि हम आप बता रहे हैं कि आपको आपकी जो परीक्षा है, परीक्षा आपकी 20 मई तक तो स्थगित की गई है, ठीक, 20 मई तक स्थगित की गई है। तो आपको ध्यान रखना है कि अभी आपका मई से आपका वैक्सीनीकरण होगा, वैक्सीन लगेगा कोरोना का, तो कोरोना भी बीमारी बढ़ रही है, तो कोरोना का वैक्सीन लगेगा अगर मई में। कोरोना वैक्सीन लगने से और कुछ लॉकडाउन के मतलब इससे फर्क पड़ता है कि आपका मई में, यानी कि आपका लास्ट मई तक, जैसे कि 1 मई से आपका वैक्सीनकरण होगा, तो वैक्सीन जब लगेगी उसके बाद 20 मई तक तो स्थगित है ही, 20 मई के बाद आपका जैसे कि 29 मई के आसपास आपका जो कोरोना का जो ये संक्रमण है आपका भी मान लीजिए पहुंच रहा है 2 लाख, आपका पर डे अगर 2 लाख 3 लाख पड़ रहा है 24 घंटे में पेशेंट हो रहे हैं, फिर आपका अगर 29 मई तक, 1 मई से अगर आपका वैक्सीन लगेगा सभी के लिए, तो आपका 29 मई तक अगर कोरोना कुछ कम हो जाता है, यानी 1 लाख हो जाता है, 50,000 के आसपास अगर कम हो जाता है, तो क्या होगा कि आपका परीक्षा होनी ही है और ये होगी जून में, ये होगी फिर जून में, ठीक, जून में होगी। जून में आपका पहले सप्ताह के अंदर अंदर शुरू कर दिया जाएगा। अगर आपकी कोरोना बढ़ता ही रहेगा तो जून में भी परीक्षा नहीं, हो सकता है परीक्षा कैंसिल कर दी जाए, वैसे ही प्रमोट कर दिया जाए, लेकिन परीक्षा होगी प्रमोट नहीं किया जाएगा, ये आपका कन्फर्म हम कर दे रहे हैं। तो आपका जून परीक्षा होगी जब तक कोरोना का पूरी तरह से कुछ निष्कर्ष नहीं कर जाता। तो यही वीडियो था, हम पूरा दूसरी न्यूज दिखाएंगे तो क्या फ़ायदा, हम न्यूज इसी बता रहे, बहुत सारी न्यूज है, सभी केवल यही बता रहे हैं प्रमोट करिए। तो आप शंका में मत, या पढ़ते रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आपको हाई स्कूल की वीडियोज हम डालते रहते हैं, कैसे परीक्षा में टॉपर मार्क करना है वो जाके वीडियो देखिए, भी पिछली वीडियो हमने डाला है, कैसे कैसे आपको लिखना है, कैसे कॉपी लिखना है, पूरा हम प्रूफ लाइव प्रूफ दिखाएं कैसे कॉपी को लिखना है, कैसे कौन सी बातों को ध्यान रखना है, जिससे कि आप 90% मार्क्स ला सकें। जाके उस वीडियो को देखिए और वीडियो अगर अच्छा लगा लाइक शेयर कर दीजिए। आपको हमने संदेह दूर कर दिया कि आपकी परीक्षा अभी 20 मई तक स्थगित है, उसके बाद रिजल्ट लिया जाएगा कि बीमारी कम हो रही है ज़्यादा, तो जून में आपकी परीक्षा हो सकती है। तो चलिए वीडियो में इतना ही था, अगली वीडियो फिर मिलेगी, तब तक संतोष कुमार को दीजिए और बने रहिए हमारे चैनल पर टेक्नो प्लस स्टडी चैनल।